नमस्कार। आज की प्रेस ब्रीफिंग में मैं आपको तीन महत्वपूर्ण सूचनाएं देना चाहूंगी। तो हमारे होम आइसोलेशन के केसेस हैं, उनका नंबर इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट में 1078 है। सीएमओ साहब के ऑफिस में 24 घंटे का एक होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम चल रहा है, जहां से लगातार हमारे होम आइसोलेशन वाले सारे ही पेशेंट्स को दिन में लगभग एक से दो बार कॉल जरूर जाता है। मैं एक बार पब्लिक से ये निवेदन करूंगी कि ये जो कॉल्स आपको आपके कंट्रोल रूम से आ रहे हैं, उन कॉल्स को आप रिसीव प्लीज जरूर करिए, और अगर आपको डेली वही इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ रही है तो वो इन्फॉर्मेशन आप जरूर दीजिए। ये बात मैंने आपसे पिछले हफ्ते भी कही थी, ये बात मैं इस हफ्ते इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि पिछले हफ्ते हमारे जो होम आइसोलेशन के केसेस थे, जब उनके पास कंट्रोल रूम से कॉल गई, तब उसमें से चार पेशेंट्स हमारे ऐसे निकले जिनका सैचुरेशन लेवल थोड़ा कम हो गया था और उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिफर किया जाना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में हमारे वो चारों ही पेशेंट्स स्टेबल हैं और मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्दी वो अपने घर वापस लौट जाएंगे ठीक होकर के। यदि आप होम आइसोलेशन में हैं और यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं, हमारे कंट्रोल रूम से जो भी कॉल आ रही है उसको सीरियसली लीजिए। प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, इस कॉल को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लीजिए। टेली कंसल्टेशन के लिए हमने 16 डॉक्टर्स की अपनी टीम बनाई है। ये जो डॉक्टर्स हैं, इनकी स्पेशलिटी अलग अलग जोन्स की है। इन डॉक्टर्स में से किसी को भी 24 घंटे में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी समस्या आ रही है तो ये आपकी समस्या का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये जो 16 डॉक्टर्स हैं, इनके नाम एज वेल एज इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एट द सेम टाइम मिनी सेक्रेटेरिएट एंड सीएमओ ऑफिस के कंट्रोल रूम का नंबर ऑलरेडी हमारे ट्विटर और फेसबुक के हैंडल पे शेयर किया जा चुका है। ये इन्फॉर्मेशन आपके सारे ही नजदीकी अस्पतालों में, पीएचसीज में और सब सेंटर्स में भी अवेलेबल है। तो यदि आपके पास ये 16 नंबर नहीं है तो कृपया आप इन नंबरों की जानकारी कहीं भी अपने निकटतम हेल्थ सेंटर से ले सकते हैं, और यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त करनी है तो आप इन नंबरों पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम आपकी मदद और आपके सहयोग के लिए हमेशा आपके साथ है। एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन प्लीज सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, डॉक्टर्स आपके लिए हैं, उनसे कंसल्टेशन करने के बाद ही आप अपना कोई भी स्टेप उठाइए। थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, एज डायरेक्टेड बाय योर ऑनरेबल LG सर, आपको पता है कि हमें अपनी हर पंचायत में एक 5-बेडेड कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार करनी है। हमारे पास 126 पंचायत हलके हैं, इन सभी हलकों में हम आने वाले दिन में 5 बेड्स की एक कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार करेंगे, जिसमें जो बेसिक दवाइयां होती हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब रहेंगे, एट द सेम टाइम एक ऑक्सीजन बेड भी अवेलेबल रहेगा। अब जैसा कि आपको पता है 126 पंचायतें हैं और उसके लिए सामान काफी ज्यादा लगेगा। इस सामान की जो भी हमें रिक्विजिशन करनी है उसके सारे ऑर्डर्स प्रशासन द्वारा ऑलरेडी प्लेस कर दिए गए हैं। जैसे ही हमको ये सामान उपलब्ध होता है, जल्द से जल्द हम हर पंचायत में इस फैसिलिटी को सुचारू रूप से चालू कर देंगे। अंत में आप सबसे मैं एक बार यही निवेदन करूंगी कि हमारे PRIs, हमारे मीडिया पर्सनल्स, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और गंदरबल की आवाम, जैसा आप लोगों ने हमेशा से हमारा सहयोग दिया है, ऐसा ही सहयोग कृपया आप लोग देते रहिए, और यदि कोई भी समस्या है तो बेझिझक प्रशासन के पास आइए, हम सब आपके लिए ही हैं। धन्यवाद।